शिवाय। महादेव के सभी भक्तों को मनु का सादर प्रणाम। यात्रा शुरू होती है गुड़गांव से और हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए हम आ पहुंचे हैं उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि कहा जाता है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ अलकनंदा नदी रोड के साथ साथ बह रही है। ऐसे में निदा फाजली का एक शेर याद आ गया कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए। तकरीबन 4 घंटे के बाद पहला स्टॉपेज लिया गया। यहाँ इतना सुकून और खामोशी थी कि बंद दरवाजों में खुदा को देखा तो 2 लाइनें याद आ गई। माहिर हो गए हैं लोग चुराने में जब से, मिल रहे हैं खुदा भी बंद दरवाजों में तब से। कहते हैं कि ये रोड सारी रात चलता है, लेकिन अपना तो सीधा सा फंडा है कि जहाँ शाम हो जाए गाड़ी वहीं रोक ली जाए, क्योंकि खुदा ने रात रेस्ट के लिए बनाई है, ना कि सफ़र के लिए। लीजिए, शाम हो चुकी है और हम आ पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग जालपा होटल में। यह लोकेशन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ से सूर्यास्त देखने को मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग यहाँ रुक चुके हैं। अगली सुबह हम एक बार फिर तैयार हैं अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ तकरीबन 150 किलोमीटर है और हमारा आइडिया है कि तकरीबन 6 से 7 घंटों में हम वहां पहुंच जाएंगे, बाकी प्रभु इच्छा। बद्रीनाथ तक का पूरा रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है। केवल जोशीमठ के आसपास रेत के पहाड़ हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे निरंतर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है और रास्ता कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें भी वहाँ पे कुछ देर रुकना पड़ा। सीन नज़ारा देखकर 2 लाइनें याद आईं। माना खुशी होगी बहुत मंजिल पर पहुंचने की पारस, माना खुशी होगी बहुत मंजिल पर पहुंचने की पारस, मगर हो यादें खूबसूरत तो जरूरी है रास्ते का मजा लेना। लेकिन जरा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कोई आपका हैप्पी बर्थडे कर दे। जोशीमठ के बाद हम पहुंचे हैं विष्णुप्रयाग, जहां पे टरबाइन के खराब फैन को सड़क किनारे रखा हुआ है, जो रिलेट करता है विष्णु जी के चक्र से। यहां से बद्रीनाथ की दूरी केवल 30 किलोमीटर रह जाती है। Thank you.
फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन यानी बद्री विशाल। बद्री विशाल के दर्शनों के बाद बस दिल से यही आवाज निकलती है, जाते जाते मीर ताकी मीर की दो लाइनें, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।